कैसे हो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम जो अपने एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी उसके वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज दिया गया है, इसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं, तो ये एक सम चतुर्भुज है। तो अपने को एक क्वाड्रेटर यानी चतुर्भुज दिया हुआ है, वो इस प्रकार है कि इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। इसका नाम रख देते हैं दोस्तों ए बी सी डी, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी और ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने को ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी है वो सभी भुजाएं क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये बात सिद्ध कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम चतुर्भुज। गिवन दैट दिया है अपने को ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी चतुर्भुज है और वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है, यानी ए ओ है वो सी ओ के बराबर है, बी ओ है वो किसके बराबर है, डी ओ के। यहाँ ये क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए यहां हम इसको हल कर रहे हैं। तो अपने को दो ट्राइंगल ले लो, क्या ले लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये ट्राई ये ए ए ओ बी ट्राइंगल लिया ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल लेते सी ओ डी, ट्राइंगल क्या ले लिया, सी ओ डी ले लिया। ए ओ डी और सी ओ डी में यहां से देखेंगे कि ए ओ, ए ओ के इक्वल कौन सी भुजा है, सी ओ है, क्यों दिया हुआ है ये बात, क्यों दिया है, दिया है। उसके बाद देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी बात दे रखी है अपने को कि एंगल ए ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यानी ए ओ बी ये आ गया, सी ओ डी ये आ गया। तो ये भी दिया हुआ है कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ये दे रखा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद अपने पास ये भुजा आ जाती है कि बी ओ है, बी ओ है वो डी ओ की क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी ये क्या आ गई, भुजा कोण भुजा नियम, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है ये, इसका मतलब एस एस रूल है वो सही है, एस एस रूल, क्योंकि एस एस रूल में एक विशेष कंडीशन बताई थी दोस्तों, वो कंडीशन क्या थी कि जो दो भुजाएं लेंगे उसके बीच का कोण होना चाहिए, ये भुजा लिया, ये भुजा लिया, ये बुझा लिया और ये बुझा लिया, इसके बीच का अंतरित कोण होना चाहिए, ये अपना सही है। ऐसे ऐसे रूल से ट्राइंगल क्या आ गया, ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ डी। यहां क्या लिखे दोस्तों कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात हम हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं तो यहां नहीं लिखेंगे। तो इसमें संगत भुजाएं कौन सी आएगी, ए बी के संगत कौन सी भुजा है, इसमें देखो ए बी के संगत भुजा कौन सी है दोस्तों, सी डी, सी डी या डी सी कौन सी भुजा है, सी डी भुजा है। ये समीकरण आ गई बच्चों फर्स्ट। अब अगर ये ट्राइंगल ले लिया जाए, ये ट्राइंगल ले लिया जाए तो बी ओ सी और इसमें कौन सा आएगा, ए ओ डी, ये और ये बराबर आ जाएगा, ये और ये बराबर आ गया तो इनमें से एक और ले लेते, तीन बार करना पड़ेगा ये क्वेश्चन अपने को। यहां से लेते हैं बी ओ सी, बी ओ सी और
बी ओ सी और यहां से क्या है डी ओ ए, ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा डी ओ ए आ गया। इनमें वही बात लिखेंगे बी ओ है वो किसके बराबर है डी ओ के, क्यों बराबर है दिया है कि इनके विकर्ण है वो क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं हम, ठीक है। तो ये दो समान दो भागों में विभाजित हो रहे हैं, फिर हम ये एंगल लेते हैं ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, तो ए बी ओ सी में बी ओ सी एंगल क्या आ गया बी ओ सी इज इक्वल टू क्या जाएगा डी ओ ए, डी ओ ए और बी ओ सी ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ये बात भी अपने को दे रखी है। फिर इसका देखो सी ओ और इसका क्या आ गया ए ओ, इसका क्या सी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ओ आ जाएगा, ये भी बात अपने को दिया हुआ है, ये भी बात अपने को यहां भी अपने को ये बात दी हुई है, ठीक है। यहां भी वो सेम का सेम रूल लगा है एस एस रूल से, रूल से सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं यानी बी सी है वो किसके बराबर है डी ए के बराबर है या ए डी के बराबर है, ये समीकरण आ गई दोस्तों सेकंड आ गई। यहां तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उसके बाद अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया जाए कि ए ओ बी और ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी कौन सा ले सकते हैं इसमें, तो यहां से देखो ए ओ इज इक्वल टू क्या है ए ओ, क्यों आ गया बच्चों उभयनिष्ठ है, क्यों आ गया उभयनिष्ठ है। उसके बाद देखते हैं कि बी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया बी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया डी ओ, क्यों ये दिया हुआ क्या है दिया है। इसके बाद अपने को तीसरी बात और देखनी है, या ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ डी कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। फिर देखते हैं कि बी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी ओ आ जाएगा, ये बात अपने को दिया हुआ। कितनी बात आ गई दोस्तों, तीन बात आ गई एस ए एस रूल से, दोनों भुजाओं से अंतरित कोण है, ये भी दोनों भुजाओं से अंतरित कोण है, तो इसका मतलब एस ए एस रूल सही है। सम्मुख यानी सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या आ गई बराबर आ गई, तो यहां संगत भुजाएं कौन सी आ गई ए बी है वो किसके बराबर है ए डी के बराबर, ये दोस्तों समीकरण क्या आ गई थर्ड आ गई। यहां से देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से ए बी, ये लो ए बी लिखा है मैंने फर्स्ट के बराबर है किसके सी डी के, ए बी किसके बराबर है ए डी के, यहां से लिए ए बी किसके बराबर है सी डी के और यहां सी डी आ गया यानी ये लिए बराबर है, यहां से देखो ए बी किसके बराबर है ए डी के, फिर समीकरण सेकंड में आ जाए ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर आ गया, ये आ गई चारों भुजाएं ए बी आ गई बी सी आ गई सी डी आ गई और ए डी आ गई। अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ए दे दिया इसको, इक्वेशन ए से ए बी सी डी ए के सम चतुर्भुज है, क्या है सम चतुर्भुज यानी एक रोम्बस है, यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। सम चतुर्भुज कहते किससे, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है उसे क्या कहते हैं सम चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।